हेलो यूट्यूब फैम, तो आपका स्वागत है फिर से एक बार एक अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे वन प्लस की ईयरफोन्स की ब्लूटूथ वाली, जो कि आपका नेक बैंड है। तो जैसे कि एक बहुत पहले हमारे सब्सक्राइबर ने लगभग एक से डेढ़ महीने पहले कमेंट किया था और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था, भाई आप एक इस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने उन्हें बोला भी था कि कभी मैं यूट्यूब छोड़ चुका था तो मैं फिर से स्टार्ट अगर करता हूँ, मैं आऊँगा तो मैं जरूर आपकी ये इच्छा पूरी करूँगा। तो आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, शायद वो वीडियो देखें और तो वापस से कमेंट करके बोले। तो आज इसको अनवैप करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बाकी इसका वायर कैसा है, बड्स कैसा है और इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो चलो फिर सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। ये मुझे पड़ा है 1900 का, क्योंकि सेल में मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है बॉक्सिंग फ्लिपकार्ट वाली, तो ये मुझे 1900 का पड़ा है। वैसे इसकी प्राइस 2000 रहती है हमेशा, तो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो चलो फिर सीधा अनबॉक्सिंग वीडियो में मिलते हैं। तो ये रहा वन प्लस बुलेट वायरलेस जी बेस एडिशन बोल्ड ब्लैक। कुछ ज़्यादा ही लंबा कहानी लिख दी है इन्होंने, लेकिन ये सीधा सा एक नेक बैंड है वन प्लस का, मेरे लिए तो वही है। तो जैसा कि अगर इसका मैं आपको डिटेल दिखाऊं, तो जैसा आप देख सकते हो प्राइस इस पे MRP जो मेंशन है वो है 2190, जो कितना का नहीं है, 2000 में आपको कोई भी स्टोर पे मिल जाएगा। और इसकी यहाँ पे जो हाइलाइट्स लिखी हुई है, बेस बूस्ट है। एक मिनट, गाड़ी जा रही है, उसे जाने देते हैं। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ज फॉर 10 मिनट्स, इंजॉय फॉर 10 आवर्स। तो 10 मिनट चार्ज में आपका 10 घंटे आराम से बैकअप देता है। और सबसे अच्छे इसके चार्जिंग में इसका जो वन प्लस का रैप चार्ज आता है, फास्ट चार्जर, वो सपोर्ट करता है। और ये आपका जो होता है रैप चार्ज, वो सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तुरंत चार्ज होगा उससे। 17 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, 17 घंटे की बैटरी है। क्लियर एंड स्टेबल कॉल्स, तो कॉल्स के लिए जो यूज़ करते होंगे उनके लिए तो सबसे अच्छा बात यही है कि सामने लिखा हुआ वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, ये भी अच्छा है। और मैग्नेटिक कंट्रोल, आपका बाइक्स के पीछे मैग्नेट दिया, जो कि आप आपस में चिपका करके घूमते रहो, गिरने का भी डर नहीं है, वो भी सही है। तो जैसा कि भाई लास्ट टाइम में एक हमारे शारिक भाई हैं जो कमेंट कर रहे थे कि मैं नीलकंठर से काट रहा था, उसमें धार नहीं होती, इसलिए से अच्छा मैं भाई चाकू वाकू खोजने से अच्छा मेरी गाड़ी की चाबी, आज इसी से रैप करते हैं सबसे अच्छा। तो जैसा कि यहाँ से इसकी प्लास्टिक हट सकती है, यही से इसको अनरैप किया जाए। ये आवाज बहुत सुकून दे जाता है, तो उसका कोई काम नहीं, इसको साइड रखते हैं। तो जो बॉक्स इतना चमक रहा था, अब चमकना बंद हो चुका है, इसका खूबसूरती सारा मुरझा गया। तो अब इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ये क्या स्लाइड होगा क्या? हाँ, ये स्लाइड होके निकलने वाला है। ये रहा, तो ये रहा, इसको साइड रखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक दिया हुआ है इसे फ्लैप को बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे दो हेडफोन साफ साफ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे तो देखो, ये हेडफोन्स हैं, इसके ईयरबड्स जो चमक रहे हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं, इसके पीछे हेडफोन डाला हुआ है, बहुत लाइट वेट, इस पर भी पता चल रहा है। इसको साइड रख के देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। वन प्लस वालों ने एक्सेसरीज लिखा हुआ है इस छोटे से बॉक्स पे, तो इसे ऊपर निकालते हैं। यहाँ भी मेंशन किया है चार्ज फॉर 10 मिनट, एंजॉय फॉर 10 आवर्स। सबसे पहले तो एक ये इनका खानदानी चलता हुआ केबल लाल कलर का, जो कि बहुत अच्छा टाइप सी सपोर्ट करता है, तो और ज़्यादा अच्छा है कि टाइप सी के साथ चार्ज होता है, तो आपको एक्स्ट्रा माइक्रो USB अपने साथ कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे साइड में रखते हैं, और एक रेड कार्ड केबल कार्ड दिया हुआ है साथ में, रेड केबल क्लब, स्कैन टू क्लेम योर बेनिफिट्स। तो इसे बाद में स्कैन करके देखेंगे क्या है इसमें। और साथ में कुछ ये रबर टिप्स, एक दो होंगे स्मॉल साइज में, मतलब एक जोड़ा स्मॉल साइज, एक लार्ज, मीडियम तो लग के ही आता है। और बाद बाकी ये ज्ञान की बातें, इनके साथ कोई स्टिकर वगैरह नहीं आता वन प्लस का, नेवर सेटल, चलो कोई नहीं। तो बस एक्सेसरीज बॉक्स में यही था, तो ये सब साइड करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो ये निकला था, तो इसको साइड करते हैं, फ्रेम से ही निकाल दो। तो ये रहा अपने सामने में हेडफोन,
इसको यहाँ से निकालते हैं। केबल तो बहुत अच्छा लग रहा है छूने में। एक्चुअली ये चिपकाया हुआ है टेप से, तो वापस से चाबी को लाते हैं और टेप को हटाते हैं पहले। मुझे लगा कि ऐसे ही फंसा हुआ होगा। फिर से गाड़ी जा रही है, रुकते एक मिनट। ये स्पंज है बीच में, देख रहे हो, दब रहा है, सीधा हो जा रहा है। ये तो कुछ नहीं, बस पेपर और पेंट का स्मेल आ रहा है, वो जो पेंट वगैरह नहीं होते हैं उसका। तो ये है आपके सामने में हेडफोन, जो कि बहुत लाइट वेट है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसा आप देख सकते हो, पूरा फैल रहा है, अच्छे से घूम रहा है, कोई ये हार्ड मटेरियल का नहीं है, जो कि बहुत अजीब लगता है, इरिटेशन करता है कभी कभी अगर आपने नेक पे रखते हो तो। ये बहुत सॉफ्ट है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, तो सॉफ्ट इस मामले में, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है छूने में कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, मुझे तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसे भी निकालते हैं और यहाँ पे पैकिंग का सेफ्टी के लिए, ताकि बटन्स में कुछ चले ना जाए। बटन्स में तो वैसे भी जाने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़। यार मेरी उंगली पे चिपक गया। हाँ, तो यहाँ पे एक आपका वॉल्यूम अप और एक वॉल्यूम डाउन बटन दिया, एक ये आपका प्ले पॉज कॉल कट वगैरह वगैरह बोलने का आदत लग गया, चलो सॉरी इग्नोर करना। एक ये कॉल कट करने के लिए दिया हुआ है और ऊपर ही में एक माइक्रोफोन दिया हुआ है। यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग की हुई है, आप देख सकते हो वन प्लस ब्रांडिंग की हुई है। और एक ये माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है, एक माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए है, एक नॉइस कैंसिलेशन है और एक आपका प्राइमरी है। ये टाइप सी इसका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो आप देख सकते हो। और ये मैग्नेटिक आपका ये जो बल्ड्स हैं, तो ये साफ साफ ऐसे ही चिपक जा रहा है। तो जैसा कि अगर मैं इसको आपको बताऊँ तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ग्लॉस में आता है, तो ये ग्लॉस फिनिश के साथ आता है पूरा का पूरा, बहुत अच्छा ही दिख रहा है। और ये मतलब इसे क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन कर रहा है ये दोनों, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी आपका पूरा साइन है आपका, ये भी सॉफ्ट है पूरा, इसका जो डबल टिप्स है। और यहाँ पे फिर आपका दिया हुआ है कट आउट है, यहाँ पे कट आउट है, पता नहीं ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए है क्या चीज़ के लिए, या फिर क्लियर क्रिस्टल ऑडियो जो बोल रहे हैं उसके लिए। ये दोनों यहाँ पे कट आउट दिए हुए नीचे में, और यहाँ पे मेंशन भी है लेफ़्ट और राइट। तो फिर इसे कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से पेयर करते हैं और इसे बजा के दिखाते हैं दूसरे कैमरे एंगल पे, तो मिलते हैं सीधे दूसरे कैमरे एंगल पे। तो गाइस, जैसा कि ये हेडफोन, अब इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं और आपको बताते हैं। तो इसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ ये फ़ोन से, और इसका सबसे अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँगा, तो आपको भी शायद अभी तक मैंने तो किसी ब्लूटूथ हेडफोन में नहीं देखा, जो मैं अभी तक मैं यूज़ किया है, मैंने अभी तक किसी में ये फीचर नहीं देखा। ये जो आपका मैग्नेटिक, इस पर ये आप मैं दिखाता हूँ, आपका मैग्नेटिक कंट्रोल जो लिखा हुआ था ना बॉक्स पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसका मीनिंग कुछ और था, मैं कुछ और समझा था, मैं समझा था बस ये दोनों चिपकते हैं, मैग्नेटिक कंट्रोल यही होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक कंट्रोल से क्या होता है मैं आपको सबसे अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो वन प्लस हेडफोन करके आ रहे हैं, वो अभी कनेक्टेड नहीं है, और ये आपका जो है ये दोनों अभी चिपके हुए हैं। ये जैसे मैं एक अलग करता हूँ, देखना अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो कनेक्टेड हो गया होगा। हाँ देखो, 90% बैटरी और कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो जाता है। अब मैं ऐसे फिर से चिपकाता हूँ आपस में, ये ऑफ हो गया है, देखो डिसकनेक्ट हो गया होगा, देखो डिसकनेक्टेड है। तो ये सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका यही लगा कि जिससे मतलब कि लंबी अगर बैटरी यूज करनी है, जनरली हम क्या करते हैं, हेडफोन गले में डालते हैं, बार बार बटन ये दबा करके, इसका जो होता है प्ले पॉज बटन दबा करके रखो, ऑन करो, फिर इसे ऑफ करो जब यूज़ नहीं करना हो। तो वैसे में क्या होता है ना, अगर कितना बार आपने नहीं किया ऑफ, तो फिर बैटरी ड्रेन होते रहता है, और टाइम के साथ साथ वो आपका ड्रेन हो जाता है उसका डबल। मैं खुद बोल्ट का यूज़ करता था, मैं बार बार सोचता था अरे यार अभी इसे फिर चार्ज करना होगा। वैसे बोल्ट की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी जो मैं यूज़ कर रहा था, बहुत अच्छी। मैं एक बार चार्ज करता था तो मैं 4-5 दिन आराम से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप जब इसे बंद करोगे, मतलब दोनों मैग्नेट आपका आपस में अटैच होंगे, ये आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और डिसकनेक्ट हो जाएगा, बैटरी आपकी बहुत लंबी चलेगी ऐसे में। और जब आप वापस इसे हटाते हो
तो ये आपका कनेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक कि आपका वेट, तो इसका कुछ है ही नहीं, मुझे इसका वेट फील ही नहीं हो रहा कि मैं मतलब किसी वेट वाले कोई कोई ईयरफोन में लगाया हूँ। आई तो फील, ये तो फील हो रहा है कि मैंने कुछ पहना है, वैसा थोड़ी है, वैसा फील नहीं होगा। लेकिन वेट इसका कुछ नहीं, बहुत लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। और सबसे अच्छा एन सी एस है, सुनो, नो कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट लग गया तो दिक्कत है। ऐसी वीडियो वो कम कम डालता हूँ, फिर कॉपीराइट से अगर हटा दिया जाए, स्ट्राइक लग जाए तो दिक्कत है। तो फिर टेस्ट करते हैं, इससे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसमें वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अब ऊपर है। यार बहुत साउंड है, बहुत साउंड है, बहुत साउंड, ये परफेक्ट साउंड है। अब देखो मैं कितने पे सुन रहा हूँ, एकदम आपका जो मैं सुनता हूँ ज़्यादा, मतलब कि अगर नॉर्मल मैं अपना हेडफोन जो वायर्ड से कंपेयर करूँ तो अभी 70% वॉल्यूम पे मैं सुन रहा हूँ, 60-70, लेकिन अभी ये कितना होगा, 30 या 40% वॉल्यूम होगा। तो ये बिल्कुल साउंड क्वालिटी और बेस परफेक्ट आ रही है, पैसे मतलब वसूल है पूरा। अगर आप लेते हो ना तो आपका पैसा पूरा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल कह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये लेते हो तो आपका पैसा पूरा एकदम परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी आप आराम से ले सकते हो। बहुत अच्छा हेडफोन है, और आपको मैं साउंड अगर सुन माइक कैप्चर कर पाएगा तो इसका फुल वॉल्यूम कितना आप सुनो। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो आप सुन लेना। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, मैं अब इसका रिव्यू देता हूँ आपको। सबसे अच्छा देखो, अनबॉक्स किया मैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे अच्छा बात ये लाइट वेट है, ये बहुत सॉफ्ट है, आराम से आप जैसे चाहो फोल्ड करो, गोल घुमा दो, कुछ भी करो, आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरेबल है। और सबसे अच्छा है कि आपका इसका वायर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, अनबॉक्स करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट भी है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सॉफ्ट है और पूरा अच्छे से पैक किया गया, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस बनाया तो पैक तो करना ही था। और जहाँ तक बड्स का बात करें तो ये बड्स बहुत ही ज़्यादा, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, खासकर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और पूरा एक साइड ही आपका ग्लॉस फिनिश में है, आपका ग्लॉस है, फिर एक साइड आपका मैट है, तो ये कुछ ज़्यादा ही, मुझे तो अच्छा लगता है ग्लॉस और मैट का जो कॉम्बिनेशन होता है, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। और जहाँ तक अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ऐसे ही पता चल गया, जब दोनों बड्स आपस में अटैच हो रहे तो ये बंद हो जाए, तो ऑब्वियसली आपका बहुत लंबा ये चल सकता है। अब वो तो बाद में मैं ट्राई करूँगा कि कितना चलता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये बहुत लंबा जाएगा। आप आराम से चाहो तो इसे खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अब अगली वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ क्या लाने वाला हूँ मैं अगली वीडियो में। मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने प्रिंट आउट वाला पूरा बताया था, उससे मैंने अपने भैया के लिए बर्थडे गिफ्ट, मेरे ही फ्रेंड ने उससे ऑर्डर करके भैया के लिए भेजा था, तो उसी को पूरा हमने पैकेज अनरैप किया, सब देखा, बहुत अच्छा था। तो अब अगली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा क्वालिटी था। तो फिर आप रक्षाबंधन आ रहा, आप सोच सकते हो लेना है कि नहीं। तो मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना। चलो, थैंक यू।